बीबी ओ बहुत उसका साइड पे चलता है गुड मॉर्निंग सिलीगुड़ी में आपका स्वागत है। पानी गिरा लिया उठते उठते सुबह पानी दुल्लू सिलीगुड़ी में आपका स्वागत है। तू कहाँ आयो कहाँ आयो घूमने तुम कहाँ घूमने आयो बैठे सिलीगुड़ी। अब सिलीगुड़ी के बाद कहाँ जाओगे? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग किक। अरे किक ले गए। मॉर्निंग एवरीवन। और ले तो क्या खाना है? ये क्या है? क्या खाना है? नाना। ये हम लोग इसके लिए सेरेलेक लेके आए थे, इन केस अगर कुछ हुआ तो कम से कम सेरेलेक दे देंगे। और इसने सेरेलेक पानी में घोल के तो खाया नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो छोटे छोटे जैसे मतलब कुछ तो डाला हुआ है, उसके अंदर क्रिस्पी सा है वो उसको अच्छा लग रहा है। और ये सूखा ही खा रहा है, जैसे हम लोग बचपन में सूखा खाते थे ना, जैसे हॉर्लिक्स या फिर कुछ चॉकलेट वगैरह, वैसे ये अब ये सूखा है, इसको ऐसे ही खाना है स्पून से। और उसमें रिंग्स और स्टार्स वगैरह सब पड़े हुए हैं, वो सब उसको बोल रहे हैं। स्टार्स अभी बहुत तेज होता है तो मेरी आईज पे लग गया था ये। तो बोलो सिलीगुड़ी ठीक हुई। यहाँ से व्यू तो कुछ खास नहीं है, बालकनी है नहीं, और पीछे पूरा पेड़ ही पेड़ से पूरा ढका हुआ है, पूरा आगे तो बिल्डिंग ही है, पीछे पूरा ढका हुआ है पेड़ पेड़ से। तो बस अब हम लोग उठेंगे, फ्रेश होएंगे और उसके बाद जाएंगे सिलीगुड़ी एक्सप्लोर करने। तो चलते हैं हम लोग थोड़ी देर बाद, उसके पहले हम लोग नाश्ता भी करेंगे, मीठा शुक्ला जी को उठाते हैं, उसके बाद चलते हैं हम लोग फ्रेश होएंगे, फिर ब्रेकफास्ट, फिर वहीं से घूमेंगे। बाय। हेलो बाय। लव यू गाइस। लव यू। फ्लाइंग किसी करो, फ्लाइंग किसी करो, अच्छे से करो, अच्छे से फ्लाइंग किसी की, किसी फ्लाइंग किसी वो मुझे पक गई तुम्हारी, अच्छे से करो। लव यू। अब तुम कहाँ घूमने आए हो? दार्जिलिंग। बैठे। बैठे हो? अच्छा बाय कर दो। आओ पूरी। We are ready to go. This is my OOTD. नीचे चल के मैं आपको दिखाऊंगी पूरा अच्छे से। तो अभी के लिए हम लोग जा रहे हैं, पास में एक मार्केट है यहाँ पर, उसके बारे में सुना है मैंने, तो हम लोग जाएंगे पहले वहाँ मार्केट, उसके बाद जाएंगे मॉनेस्ट्री, क्योंकि मॉनेस्ट्री की टाइमिंग है 11 बजे बंद हो जाती है, फिर 1 बजे खुलती है, तो 1 से 5 की टाइमिंग है। तो अभी ऑलमोस्ट 10:30 हो गया है, तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बंद हो जाएगी 11 तक, जब तक हम लोग पहुँचेंगे। तो चलते हैं पहले मार्केट देन मॉनेस्ट्री 1 बजे। लेट्स गो। रिमोट लेके कहाँ जा रहे हो? डैडी वाले नहीं, डैडी वाले इतनी बड़ी, अपने वाले पहनो, अपने वाले पहनो। अरे ओहो केरा गंदी कलर। अरे वो गंदी नहीं भैया, क्लीन है वो गंदी नहीं, वो क्लीन कलर उनका ऐसा है। क्या लगा इसमें? मिट्टी। राजा बेटा थोड़ी बहुत मिट्टी तो लगेगी ही, अब तो कोई बात नहीं, पहन लो, इतना चलता है। जल्दी रखाओ, रखाओ रिमोट तो रखाओ, रख दो ऊपर में। गुड बॉय, आ जाओ, चलो पहनो सैंडल। दिस इज दुल्लूज़ ओटीडी। ये ओटीडी क्या होता है भाई? आउटफिट ऑफ द डे। अरे साहब,
आउटफिट ऑफ द डे समर्थु तुम भी दिखा दो अपना OOTD तो तुम नीचे दिखाई करके अच्छे से चले तो मार्केट तो हम लोग पहुंच गए हैं बट मार्केट अभी खुल रही है पूरी तरीके से खुली नहीं है कुछ कुछ शॉप वगैरह भी लग रहे हैं सबसे ज़्यादा समस्या जो आती होती है पार्किंग की चले सर तुम लोग तो पार्किंग के सच हम लोग करके कर मिल गई है ऐसे पार्क कर दिया हम लोगों ने तो चलो चलते हैं हम लोग चलो बाद में खाते उसे अभी नहीं खाते उसे नहीं खाते अभी चलो जल्दी से मार्केट चलते हैं चलो चले मार्केट तुम्हारा चश्मा कहाँ है चश्मा कहाँ है हमारा बिना राजा बेटक डैडी कहीं नहीं जाएंगे डैडी के लिए नहीं रो रहा वो अपने आजमोला के लिए रो रहा है अरे लामे यार तुम तो बेइज्जती कर रही गुन्नू मई है आजमोला उसका रख भा दिया इस वजह से बताओ डैडी इम्पोर्टेंट की आजमोला इम्पोर्टेंट बताओ हु इज मोर इम्पोर्टेंट आजमोला और डैडी बोलो यार बेटा आज इज्जत की बात है बोलो आजमोला या डैडी आजमोला या डैडी कुछ नहीं बोला तो ये है सिलीगुड़ी की हांगकांग मार्केट जो कि यहाँ की बहुत ही फेमस मार्केट है यहाँ पर आपको हर तरीके का सामान मिल जाएगा चप्पल जूते स्वेटर शॉल कपड़े सब कुछ मिल जाएगा एवरीथिंग यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटीज़ है बच्चों के खिलौने से लगा करके आपको खाने पीने का आइटम भी हर चीज़ मिल जाएगी बट यहाँ पर आपको क्या काम करना है जस्ट आपको बार्गेनिंग अगर आपको आती है ना आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अगर अच्छी हैं तो मतलब ये मार्केट आपके लिए सही हो सकती है अगर आपको बार्गेनिंग नहीं आती है तो मत जाना क्योंकि यहाँ पर इतना लूटते हैं कि आपको 950 की चीज़ आपको 300 तक मिल जाएगी लाइक मेरे जैसे लोग तो 900 ज़्यादा से ज़्यादा 700 रुपये करेंगे बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे बट मैंने जब गूगल में सर्च किया तो मुझे पता चला तो आप 900 अगर वो बोलते हैं तो आप 200 तो बोलो फिर वो 300 तक आएंगे आपको इतनी बार्गेनिंग करनी होती है बाकी यहाँ पर आपको काफ़ी सारी लाइक एक चीज़ की तीन तीन चार चार शॉप हैं जस्ट एकदम से बगल बगल में तो यहाँ पर हर तरीके का आइटम मिलता है बस आपको बार्गेनिंग करने आना चाहिए ये सारी टॉप्स ही उन्होंने बताई थी कि कोई 500 है कोई 900 है बट अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो आपको 300-400 तक आराम से मिल जाएगा क्वालिटी वगैरह भी सही थी यहाँ से मैंने एक सन ग्लास परचेज़ किया था वाइट कलर का भी आप देखोगे इन्होंने मुझे प्राइस बताया था 350 सारी प्राइस मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बता रही क्योंकि सारी चीज़ों के प्राइस अलग अलग थे किसी का 150 है किसी का 250 है किसी का 300 भी है किसी का 400 है सो डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट कि आपको कौन सा ले रहे हो कैसी उसकी क्वालिटी है उस पर डिपेंड करता है इसलिए सबके प्राइस वेरी करते हैं आप वहाँ पर जाओ और पूछो और अपने हिसाब से उसको बार्गेनिंग करो ठीक है अगर आप मतलब ये मार्केट पूरी डिपेंड करती है बार्गेनिंग पर ये सारी टी शर्ट्स आप देख रहे हो वो बता रहे थे 600, 700, 900 तक बता रहे थे बट आप ये 150 में भी परचेज कर सकते हो ये जैसे आप मार्केट के अंदर एंटर करते हो अभिजात कि ये कोई शॉप थी उसके जस्ट सामने है काफ़ी अच्छी सारे टी शर्ट का कलेक्शन था तो ये इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि अगर आप लोग जाते हो तो आप जा सकते हो आराम से मेन मार्केट से बाहर निकल के जो रोड रहती है रोड के साइड में ये फुटपाथ सा रहता है वहाँ पर भी काफ़ी सारे स्टॉल्स थे बच्चों के कपड़े टी शर्ट शॉर्ट्स काफ़ी कुछ था वहाँ पर भी बस आपको बार्गेनिंग की ज़रूरत थी और थोड़ा बहुत सही भी मुझे लग रहा था तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो तो ये सी हमारी मार्केट बाहर धूप जरूरी इतनी गर्मी है गाड़ी गाड़ी पसीना देख रहे हो कौन चला रहा भाई देख रहे हो ये इतनी स्वेटिंग और बाहर का मौसम देखो एक भी धूप नहीं जरा सी भी धूप नहीं है तो कोई ये हालत हो गई जबकि हम लोग मार्केट इतना ज्यादा गए भी नहीं है नहीं एक बार मैं वो टाइटन में होके आ रहा हूँ शायद उसके पास हो अच्छा कहाँ है टाइटन वो सामने उधर अच्छा ठीक है जाओ मैं यहाँ पर वेट कर रहे हैं खुला है गाड़ी कोई दिक्कत नहीं ठीक है शीशा खोलना शीशा खोल देते हैं हाँ नहीं खुल रही अभी अभी चाबी है नहीं अंदर खुलेगा ही नहीं शीशा अरे नहीं खुल रहा है भाई देख लो ऐसा करते हैं यार ये देख लो मैंने यहाँ से गाड़ी ऑन की और की अंदर नहीं थी और देखो शीशा नहीं खुला है देखो आधी बस ये अपना बड़ा बून लगा है अब जाके थोड़ा सुकून आया जब एसी चला तो इतनी गर्मी लग रही थी बाहर ना अच्छा तो मॉर्निंग
तो मार्केट हम लोग बोली हैं, अब हम लोग जा रहे हैं मॉनेस्ट्री। संडे की वजह से आज काफ़ी सारी शॉप बंद थी और हम लोग थोड़ा सुबह में आए थे एकदम से, तो कई सारी शॉप खुल रही थी बट काफ़ी सारी बंद थी शॉप। अंदर अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा गलियों में गए नहीं, और बाहर में भी काफ़ी सारी शॉप बंद थी, तो जितना बहुत थोड़ा बहुत खुला था वो हम लोगों ने घूम लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं मॉनेस्ट्री। मॉनेस्ट्री टाइमिंग हो गई 1 बजे ओपन होती है और 1 ऑलमोस्ट बज गया है ना, 1:06 हो गया है, तो बस ऑन द वे है। मॉनेस्ट्री तो बंद निकला तो हम लोगों ने सोचा दे दीजिए जल्दी, यही चल रहा है कि नहीं। मॉनेस्ट्री तो बंद निकली, उन्होंने 1 गेट खोल रखा था, गूगल पे भी टाइम डाल रखा था कि 1 बजे ओपन होती है, और वहाँ पर भी गेट पे भी लिख रखा था कि सुबह 9 से 11 है, फिर 1 to 5 है। वहाँ जाके पता लगा कि 1 बजे वो गेट खुलता है, पर जो मेन गेट है वो 3 बजे खुलता है। अब सोचो हमारा क्या। तो अब हम लोग वापस चले आए हैं कि 1.5 घंटा वहाँ पर इंतजार करते। धूप भी बहुत थी, गर्मी भी बहुत है बाहर, यहाँ पर धूप नहीं है पर मतलब धूप आती है जाती है, पर गर्मी बहुत लगती है बाहर। अच्छा है, अब जा रहे हैं वापस से होटल, तो सोचा है कि कुछ लंच कर लें क्योंकि कितना 2 बज गया है, 2:30 बज गया है, तो भूख लग रही है, तो कुछ खा लेते हैं। तो हम लोग लंच करके सीधे जा रहे हैं घर, मतलब होटल।